जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दिवस की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विश्व विकलांगता दिवस। जैसा कि हम जानते हैं 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम समझेंगे इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने का प्रारंभ कब से हुआ, साथ ही इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है और वैश्विक पटल पर विकलांगता के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है दोस्तों उसके विषय में हम समझेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे सामने है, यह दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिसंबर को। और इसके बाद जो दूसरी बात है वह यह है दोस्तों कि आखिर इस दिवस को और किस किस रूप से पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ हमें देखने मिल रहा है कि बहुत सारे नाम हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस जो पूछा जा सकता है, इसे भी आप नोट कीजिएगा। और इसके बाद दिव्यांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस करके भी एक प्रश्न देखने मिला हुआ है, ठीक है। दिव्यांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी पूछा जा चुका है, यह दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर भी आपका 3 दिसंबर ही होगा। आगे दोस्तों इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, यदि यह प्रश्न इंग्लिश में देखने मिले तो कम से कम हमें ये पता हो कि इसका आंसर क्या है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद आगे हम बात करें इसके प्रारंभ की, तो इसका जो प्रारंभ है इसका प्रारंभ किया गया है 1992 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है। यानी जो आयोजक है वो कौन है, वो है संयुक्त राष्ट्र। और कब से इसका प्रारंभ हुआ है, तो इसका प्रारंभ किया गया है वर्ष 1992 से। इसके बाद आगे यदि हम बात करें और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा इसका उद्देश्य। उद्देश्यों में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों आधुनिक समाज में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करना। इस भेदभाव में समाज और व्यक्ति दोनों की भूमिका रेखांकित होती रही है। भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में सरकारी सेवाओं में आरक्षण, योजनाओं में विकलांगों की भागीदारी को प्रमुखता देना आदि को शामिल किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य विकलांगों के कल्याण और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना है। अब आगे यदि हम बात करें इसके थीम की, तो वर्ष 2022 की जो थीम है दोस्तों वो है समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान। या तो आपके प्रश्न में कुछ ऐसा ही देखने मिल सकता है कि समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान, या इसका पूरा जो सेंटेंस है वो आपको देखने मिल सकता है। और आगे इसका सेंटेंस है दोस्तों, समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान एक सुलभ और न्याय संगत दुनिया को बढ़ावा देने में नवाचार की भूमिका। तो ये इसकी वर्ष 2022 की थीम है। थीम से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहां पर आप थीम नोट कर लीजिए। और अब आगे यदि हम बात करें कुछ अन्य विशेष तथ्यों की, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है संयुक्त राष्ट्र ने 1981 को विकलांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ऐसे प्रश्न देखने मिलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जब कोई वर्ष घोषित कर दिया जाता है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उससे प्रश्न बनते हैं। और यह 1981 में किया जा चुका है, तो यह भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1983 से 1992 को विकलांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। तो यहाँ हमें देखने मिल रहा है कि जो इनकी पहली पहल थी वो थी 1981 में, 1981 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वर्ष घोषित किया गया। और उसके बाद 1983 से 1992 को पूरा का पूरा दोस्तों आपको यहां देखने मिल रहा है कि 10 वर्षों का समय है, तो इसे दशक घोषित कर दिया गया, यानी अंतरराष्ट्रीय दशक किसके लिए, विकलांग जनों के लिए। और फिर आगे चलकर के 1992 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही इस दिवस को 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाने लगा। आगे यदि हम बात करें दोस्तों, भारत में विकलांगता से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं ये सभी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन होती हैं, ठीक है। जो भी इनका क्रियान्वयन हो रहा होता है वह इस मंत्रालय, तो ये मंत्रालय भी पूछा जा सकता है। और इसी कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संगम योजना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि संगम योजना का संबंध भारत में, या संगम योजना का संबंध किससे है, तो यहाँ पर देखने मिल रहा है दोस्तों संगम योजना का जो संबंध है वो भारत में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण की वृद्धि से है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। और आपको यहाँ पर बता दें इस योजना से संबंधित एक सेपरेट वीडियो जल्द ही आपके सामने होगी। तो यहां पर आपके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस दिवस से संबंधित वो कंप्लीट होते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।